दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे AWS, Amazon वेब सर्विस या माइक्रोसॉफ्ट Azure या गूगल क्लाउड, यानी कि क्लाउड की जॉब, एक क्लाउड का कोर्स करने के बाद आप जॉब कैसे सर्च करोगे और आपको जॉब कैसे मिलेगी, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखो मेरे दोस्त, होता क्या है कि आपने पहले कहीं एडमिशन लिया, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और वहाँ पे आपने अपना क्लाउड कोर्स कंप्लीट किया। वो किसी भी फील्ड से हो सकता है, चाहे वो AWS का हो, गूगल का हो, अलीबाबा का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, कोई सा भी क्लाउड जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वो आपने सीखा और उसको अच्छे से सीखा। अब बात आती है कि जॉब कैसे उसमें मिलेगी। तो देखो, जॉब के दो तरीके होते हैं, या तो आपको वो इंस्टीट्यूट जॉब दिला दे, आप जहाँ से कर रहे हो वो उतना बड़ा इंस्टीट्यूट हो कि आपको वो जॉब दिला दे। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपको जॉब खुद सर्च करनी पड़ेगी, वो जॉब्स पोर्टल के थ्रू, लिंक्डइन हो गया, नौकरी हो गया, फ्रेशर वर्ड हो गया, ऐसे जो बहुत सारे नौकरी जो जॉब्स मिलने वाले पोर्टल्स होते हैं, आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अभी देखो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं। अगर फ्रेशर होते हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं दोस्त यहाँ पे सिर्फ आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अगर लग रहा है कि आपका कहीं डिफरेंस नहीं है, आपको ऐसे जॉब नहीं मिल सकती, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो जॉब्स पोर्टल्स हैं उनकी आप हेल्प लो। वहाँ पे आप पेड प्रोफाइल भी बना सकते हो, कुछ पैसे देके आप परचेस भी कर सकते हो, जहाँ से आपको कॉल्स मिले। देखो, सीधा सा फंडा है, सीधा सा अपने माइंड में एक सेट रखना है अपने माइंड में कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं आज, वो भी कभी ना कभी फ्रेशर थे। बस बात क्या होती है कि जब आप फ्रेशर होते हो तो हो सकता है आपको 20 इंटरव्यू देने पड़ जाए, 25 इंटरव्यू देने पड़ जाए, 30 इंटरव्यू देने पड़ जाए, 40 इंटरव्यू देने पड़ जाए, तब जाके आप कहीं आपको कहीं जॉब मिले। लेकिन उस चीज़ से कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, जॉब सर्च करते रहना है। और एक बार अगर आपको जॉब मिल गई किसी क्लाउड फील्ड में, तो समझ लो आप 2-5 साल बाद आप अच्छा खासा अर्न कर रहे होगे, उसमें लाख वाख के तो ऊपर आराम से होगा। तो बस वही चीज़ है मेरे दोस्त कि आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, जॉब पोर्टल्स की हेल्प लेनी, अगर कहीं से आपको रेफरेंस मिल जाए तो आपको वो लगाना है। और एक बार आपको 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत आ जाती हैं। आप जैसे रिज्यूमे अपलोड करोगे और आपके पास कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और नीचे मैंने IT हार्डवेयर नेटवर्किंग का क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज नीचे दी है, मेरा रिज्यूमे भी आप चाहो तो वो परचेस कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।